कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुंदेलखंड की सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 भ्रष्ट लोगों का चौकीदार बताया। उन्होंने कहा, मैं इस देश के करोड़ों माताओं, बहनों, युवाओं, किसानों, छोटे दुकानदारों से रिश्ता बनाना चाहता हूँ। मैं इनसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि झूठ से रिश्ता नहीं बनता। लेकिन नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाते हैं। वह देश के 15 सबसे भ्रष्ट लोगों की चौकीदारी करते हैं। मैं आपका हूँ, मोदी उन 15 चोरों के हैं। मोदी दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, मजदूरों का और दूसरा चोरों का। और आगे उन्होंने कहा, इस देश में लड़ाई सच्चाई और झूठ की है, प्यार और नफरत की है। मोदी कहते हैं कि मेरे आने से पहले हिंदुस्तान सो रहा था। मैं प्रधानमंत्री नहीं, इस देश का चौकीदार हूँ। सबकी जेब में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। सिर्फ अपने ही मन की बात लोगों को सुनाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते, लेकिन मुझे आपके मन की बात सुनने में रुचि है। इस देश का मालिक प्रधानमंत्री नहीं, वे तमाम किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, युवा, माता और बहनें हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं। हमारा काम इन सब लोगों की बात सुनना है। न्याय योजना हिंदुस्तान की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, 15 करोड़ गरीबों की आवाज़ है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन आवाज़ों को दबने ना दें। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।